अब वो नर्तकी पे मना गया महर्षि अजामिल का। सुशीला साध्वी यत्र नारायणो परायण, अपनी पत्नी को त्याग कर जो त्रिकाल संध्या में सहभागिनी थी, यज्ञ यज्ञ में सहभागिनी थी, दीपदान में, मंगल कलश में, उसको त्याग दिया, घर में नर्तक की आ गई, बाजार की कोई बाजार का व्यक्ति आ गया, तो भगवान एक अलग तरह से एक स्मित, एक विचित्र स्मित मुखमंडल, विलक्षण स्मित, एक अलग तरह का एक व्यंगात्मक उपहास पीड़ा वो लक्ष्मी ने देखी। लक्ष्मी ने देखा कि मेरा पति इस ढंग से कभी नहीं मुस्कुराता, जो ये आज की जो इनका स्मित है, आज की जो इनकी मुस्कुराहट है, आज की मुस्कान में कुछ उपेक्षा है, तिरस्कार सा है, व्याकुलता है, सुधार है, उद्धार की भावना है, कल्याण की कामना है, तो ये किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि जिसे देखकर थोड़े परेशान भी हैं और उसे मुक्त भी करना चाहते हैं, किसी को देखकर थोड़े आहत हैं और आह्लादित भी हैं, ये किसे देख रहे हैं आंखें बंद करके, आंखें तो बंद है नारायण की पर मुस्कुरा रहा है, और मुस्कान में थोड़े उपहास है, उपेक्षा है, उद्धार की भावना भी है, कल्याण की कामना भी है, तारने के भी संकेत हैं, तो कौन है वो जिसे याद कर रहे हैं। तो ये बात थोड़ा याद रखने की है कि भक्त ही भगवान को याद नहीं करता, भगवान भी भक्त को याद करते हैं। आंख खुली और भगवान से पूछा लक्ष्मी जी ने कि अरे कौन है जो मीठा मीठा आपको दर्द भी दे रहा है और आनंद भी, जिसे देखकर आप व्याकुल हैं और उसके उद्धार की भी कामना है, तो कौन है ये जिसे याद कर रहे हैं आप। तो लक्ष्मी जी से कहा भगवान ने, देखो देखो वो नीचे, ये मृत्यु लोक में, ये देखो नीचे अजामिल, ये अजामिल, ये त्रिकाल संध्या करने वाला कान्यकुब्ज का ये कुलीन ब्राह्मण, वैदज्ञ ब्राह्मण, ये वेदमूर्ति भ्रष्ट हो गया, कामासक्त हो गया, और देखो इसे बिल्कुल भ्रष्ट होकर इसने गौओं को भगा दिया है जंगल में, वेद बहा दिए गंगा में, यज्ञ वेदिका को ध्वस्त कर दिया है और सारे ग्रंथ जला दिए, और जो उसके उपासना के जो चिन्ह थे मिटा दिए, चंदन पहुंच दिया, जनेऊ फेंक दिया, कि कैसे नर्तकी प्रसन्न हो। अच्छा वो ये कह भी रही थी कि तेरा ध्यान तो ग्रंथ में है कि मैं ग्रंथ फेंक दूंगा, तेरा ध्यान तो भजन में है कि मैं माला फेंक दूंगा, अरे तू तो ध्यान करता है भगवान का, बोले मैं नहीं ध्यान करूंगा, तेरा ध्यान तो रहता है यज्ञ में, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी ऐसा है, तो लक्ष्मी जी ने पूछा अब आगे क्या, अब क्या करोगे। तो भगवान ने कहा जब मेरा इस पे ध्यान चला ही गया है तो इसका उद्धार तो मैं करूंगा, इसका कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि मेरी दृष्टि इस पे चली गई है, जब मेरी दृष्टि चली गई है तो इसका तो कल्याण निश्चित है। तो बोले कल्याण करने का साधन कौन सा है, तो भगवान ने कहा हमारे पास तो ले दे के एक ही उपाय है, जब जीव का हमें कल्याण करना होता है तो उसके जीवन में संत भेज देते हैं, तो संत आएगा तो बसंत आएगा, संत आएगा तो संस्कार आएंगे। और ये बात तो देखी, साधु से संबंध बनेगा तो फिर कथा करवा लो, यज्ञ करवा लो, पूजा करवा लो, साधु से रिलेशन बनने के बाद के परिणाम क्या है, पूजाएं चल रही हैं, उपवास चल रहा है, साधन चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, अब कथा चल रही है, अब यात्राओं पे निकल पड़े हैं, अब साधु तो अपने जैसा ही कराएगा, और आपसे मिल जाने के बाद आपके साथ धंधा तो नहीं करेगा, दुकान पे तो नहीं बैठेगा, आपसे प्रेम हो जाने के बाद आपके दुकान पे धंधा तो नहीं करेगा, संत भेज देते हैं। तो चार साधु भेज दिए उसके द्वार पर, लक्ष्मी जी से कहा देख इसका कल्याण निश्चित है, उस नर्तकी के द्वार पर, उस अजामिल के द्वार पर चार साधु भेज दिए भगवान ने, नारायण हरि, अंदर से वैश्य आई
पुनर्तक की आई, उसने पहली बार सन्यासी देखे, वे गौर वर्ण सन्यासी, वे दिव्य ऐसे महापुरुष जो उन्हीं के घर से भोजन करते थे, जिनके यहाँ यज्ञ धूम्र कभी न उसका अभाव हो, अग्निहोत्र के घर से यहाँ यज्ञ का धुआं निरंतर दिखाई देता रहे, जहाँ वेद पारायण होता रहे, उनका व्रत था हम उसी के घर से भोजन करेंगे, यहाँ गौ पूजन होता होगा, अतिथि अभ्यागत का आदर होता होगा, यहाँ त्रिकाल संध्या होती होगी, यहाँ यज्ञ का धुआं कभी न बंद हो, हम उसी घर से भोजन करेंगे, अन्यथा प्यासे भूखे रहेंगे। अब वो नगर में घुसे और वहां के बालकों से पूछ लिया, चपल बालक, कई बार बाल बुद्धि भी अद्भुत होती है, तो भगवान बालकों की बुद्धि में बैठ गए और बालकों ने कहा, नगर के खेल रहे बालकों ने कहा, आपको ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसके घर में त्रिकाल संध्या होती है, गौ ब्राह्मण का पूजन होता है। तो बालकों ने खुसर फुसर करते हुए, काना फूसी करते हुए कहा कि इसको अजामिल के घर में भेज देते हैं, साधुओं को, हमारा उस जैसा पवित्र कोई घर नहीं है हमारे यहाँ, वहीं जाइए आप। तो अजामिल के घर में चले आए वे साधु, अपना सा घर मानकर, ये साधु की वीकनेस है, जहां भक्ति है, ज्ञान है, संस्कार है, सेवा है, भगवत भजन है, साधु से अपना सा मान लेता है, ये साधु की वीकनेस है। इसलिए तो हनुमान जी रुक गए थे कालनेमी का भजन सुनकर, वीकनेस है भैया, भजन हो रहा है अपना सा है, तो अपना सा घर मानकर साधु उसके द्वार पर पहुंचे और कहने लगे नारायण हरि। अंदर से वो नर्तकी आई और वो जानती नहीं थी भिक्षा कैसे देते हैं, वो जानती नहीं थी संत का सत्कार कैसे करते हैं, वो ये जानती नहीं थी कि साधु को भोजन कैसे कराया जाता है, बस ऐसे ही उसने कुछ भोजन सा दे दिया और साधु समझ गए थे कि यह हविष्यान्न नहीं है, ये वो अन्न तो नहीं है जो अन्न अग्नि को समर्पित किया गया हो, देवताओं के को यजन में प्रयुक्त हुआ हो, ये तो चौर अन्न है, दूषित अन्न है, दस्यु का अन्न है, लुटेरे का अन्न है, ये तो चोरी का अन्न है। लेकिन चूंकि अन्न देवता है और अन्न का परित्याग नहीं करना चाहिए, आज के प्रारब्ध में हमारे लिए यही भिक्षा है और हमारे कमंडलों में है और हमारे सामने भिक्षा आ गई है, तो इसका अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने अब हमें भिक्षा दी है तो ये अन्नपूर्णा ही है, और ऐसी अन्नपूर्णा का अनादर नहीं करेंगे। यद्यपि साधु समझ गए थे कि ये कुलशीला नहीं है, तो भी सन्यासियों ने उससे कहा, हे देवी धैर्य रखिए, आपने जैसा बनाया वैसा ही हम ग्रहण करेंगे। और साधुओं ने अन्न सामने रखकर और भगवान का ध्यान किया, ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। परजन्य भी ब्रह्म है, जिससे जल आता है वो बादल वहीं से तो आते हैं, उससे गिरती बूंदे अन्न को पकाती हैं, वो अन्न भी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ही, अग्नि भी ब्रह्म ही है, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, वो आहुति भी ब्रह्म ही है। जब चारों ओर परमात्माएं, सभी में ईश्वर समाया है, तो इस बनाने वाली में और ये जो अन्न है और हम में और इस सब में भगवान ही है। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा कहकर उसको यज्ञ का अन्न बना दिया, उस दूषित अन्न को भगवान को समर्पित कर दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुलसीदल लेकर उसमें भोजन में डाला साधुओं ने, ये कहकर नारायण ये आपको समर्पित है, तो प्रसाद बना दिया। उस अन्न को प्रसाद बनाकर साधु कहने लगे कि अब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो वो रोटी कैसी है हम नहीं जानते, अब रोटी किसकी बन गई, ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। साधु ने कहा मैं सब जात का हूं, और साधु का अर्थ ही है जो उसकी कोई जात नहीं रह जाती, कुल गोत्र वंश परंपरा जाति ये मान खोके तो हम साधु बने, फिर भी जाति पीछा करती रहेगी, फिर मेरे पीछे गोत्र मेरा भागता रहेगा, मेरा वंश भागता रहेगा, मेरा कुल भागता रहेगा,
नहीं नहीं उनको कई साल पहले मैंने डबो दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, सर्वम संन्यस्तम मया। इसलिए जमादारनी से कहा, महाराज ने ला रोटी मुझे पकड़ा, अब मेरा हाथ लगेगी तो मेरी हो जाएगी। और हाँ, इसमें और अपडेशन करना है, मेरा हाथ लगने के बाद मेरी नहीं, मैंने भी तुलसी दल रखकर परमात्मा को भेंट करना है, तो रोटी परमात्मा की हो जाएगी, ईश्वर की रोटी हो जाएगी। तो वो जो अन्न था ईश्वरीय अन्न हो गया, वो प्रसाद बन गया। प्रसन्न चित्त से इतने में ही अजामिल आ गया था। साधु ने कहा, देख भाई भोजन तो तेरी पत्नी ने करा दिया, दक्षिणा तू दे दे। तो अजामिल ने कहा, मैं आपको अपवचन नहीं कह रहा, दुर्वचन नहीं कह रहा हूं, कटुवचन नहीं बोल रहा, तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, यही मेरी दक्षिणा है, निकल लो बस यहां से, मेरी पत्नी को बरगला रहे हैं। तब तक तो भक्ति जग चुकी थी उसमें, उस नर्तकी में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। एक घड़ी आधी में पुनः आध तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। उस साधुओं के दर्शन कर साधुओं की संगति से निश्चला निष्पाप हो गई। संतों ने कहा, जो तैने कहा ऐसा माफ, मन पवित्र हो गया,